सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है और जो अमृतसर मुदल गांव के रहने वाले हैं और जो सिस्टर की बहुत ही बिग और अमेजिंग टेस्टामनी है और जो सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि इनके हस्बैंड आज से 3.5 साल पहले मलेशिया में जॉब करते थे और जब जो वापस आए तो लॉकडाउन होने के कारण वो जा नहीं सके और इन्होंने बताया कि जो उनके पासपोर्ट की डेट थी, तारीख थी, वो भी खत्म हो गई थी। हम उस पासपोर्ट को भी देखेंगे और जो इनका पुराना पासपोर्ट है जिसकी डेट जो थी वो खत्म हो गई थी और जिसके कारण फिर से इन्होंने अपने रिन्यू कराने के लिए पासपोर्ट को अप्लाई किया और उसके बाद इन्होंने बताया कि किसी कारण एलिगेशन लग गया और उसके भी इन्होंने इनके पास स्लिप है, हम वो देखेंगे। और जब एलिगेशन लग गया तो इन्होंने बताया, जूम करो अच्छे से दिखाओ। ओके। इन्होंने बताया कि जब एलिगेशन लग गया तो बहुत मुश्किल था कि बाद में पासपोर्ट बने, जिसके कारण इनके हस्बैंड बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वो विश्वास तो नहीं करते थे, पर जिस सिस्टर हर एक मीटिंग में आ रहे थे और जो विश्वास करते थे, इनको विश्वास था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और जिस सिस्टर ने बताया कि जैसे इन्होंने प्रभु के दास के साथ पर्सनल स्पेशल मीटिंग की और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया और इनको उत्साहित किया गया और जो विश्वास में बने रहे और नेक्स्ट इनकी अपॉइंटमेंट थी, जब ये गए और इन्होंने बताया कि इन्होंने फिर से अप्लाई किया तो एक हफ्ते बाद ही इनको मैसेज आ गया और आज परमेश्वर ने इनको न्यू पासपोर्ट के साथ ब्लेस कर दिया है। अभी हम उस पासपोर्ट को भी देखेंगे। हालेलुया। तो आज ये सिस्टर बहुत खुश है कि जो काम बहुत मुश्किल था पर परमेश्वर की सामर्थ्य ग्रेस के साथ आज परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। इसको वाई के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते। अब अपने पड़ोसी को बोलो, पर्सनल मीटिंग का भी फायदा है। बोलो क्या है, फायदा है कि नहीं फायदा? हाँ, कईयों के पास टाइम नहीं होता। बोलो क्या है, कईयों के पास टाइम नहीं है, समझ आ रही है? और फायदा है। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और कितने समय से ये परेशान थे। बोलो क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, लंबे समय से ये परेशान थे। कितना टाइम हो गया था, कब से लॉकडाउन हुआ और घर में बैठे। बोलो, पासपोर्ट की जो डेट थी वो भी एक्सपायर होगी। अब रिन्यू कराने के लिए गए और एलिगेशन लग गया। क्या लग गया? एलिगेशन लग गया। और अब ये सोच नहीं कैसे होगा, पर आ तो रहे थे लगातार। बोलो, आ तो रहे थे मीटिंग में लगातार, विश्वास भी करते थे। पर परमेश्वर सच्चा है, अगर हम आ रहे हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो सुनेगा नहीं। बोलो क्या है, ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है कि हम विश्वास से खुदा की हजूरी में आ रहे और वो परमेश्वर करे ना, हो नहीं सकता। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, माइक दे दो, क्या कहना चाहते हैं? जय मसीह पापा। जय मसीह। मैं इनके चेहरे से पता चलता है ये बहुत खुश है। तारीफ करो पहले। हाँ बताओ पापा। ये शब्द है ना, खोटे तो खरा बना दे जसू मेरा। पापा जदों मैं रोटियां पकाने कोशिश करना, मैं यही बोलती रहना, खोटे तो खरा बना देंदा जसू। बस मैं यही विश्वास है कि ये जरूर होगा काम। पर जितने रोज मैं पर्सनल मीटिंग करन दी, पापा इन कुछ नहीं किया। जो मेरा पासपोर्ट जी डेट लंघी फड़िया ही ना, मैं 100% विश्वास है कि 100% इन्हों का सारा काम हो जाऊगा। yes. मैं उदो विश्वास है। जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, खोटे तो खरा बना देता है यीशु मेरा, खोटे तो खरा बना देता है यीशु मेरा। आमेन, आमेन। सुनो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? बोलो, किसने सॉल्व की, किसने हल की? क्या एक ही की परमेश्वर करना जानता है कि सबकी भी? पर जैसा मन, जैसा विश्वास इन्होंने दिया, आपको भी देना पड़ेगा। सोच से नहीं, परमेश्वर सोच से नहीं, मैंने कहा विश्वास से काम करता है। मैंने क्या कहा? वो सोच से नहीं, विश्वास से काम करता है। कितनों का विश्वास है कि वो मेरा भी कर चुका और मैं भी अपनी गवाही से आ चुका हूं? कितनों का विश्वास है?
जोर से हालेलुया बोलते हुए कि परमेश्वर तू मेरा भी काम कर चुका है। ऐसे ही मेरे जीवन में भी अपनी बड़ी गवाही को, क्योंकि ये छोटा काम नहीं था। देखो कितने समय से ये लॉकडाउन हुआ और घर में बैठे हैं, हाँ कोई कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन हो गया और कोई हल नहीं हो रहा, और ना हल होने के कारण पासपोर्ट की जो डेट थी वो भी एक्सपायर होगी। अब रिन्यूअल करने के लिए और एलिगेशन आ गए, अब सोच रहे हैं क्या होगा। समझ आ रही है? ये फायदा है खुदा की हजूरी में उसकी सच्चाई के साथ जुड़ने का। बोलो क्या है? इसलिए क्यों उसने कहा जो काम किससे नहीं हो सकता पर किससे हो सकता है? क्या सबका हो सकता है? मरा सबका हो सकता है? सबका हो सकता है ना? धन्यवाद करो और हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो। वंदिता शिपावा यसु वंदिता ले जावाले अनु यसु वंदिता। वंदिता शिपावा यसु वंदिता ले जावाले अनु यसु वंदिता। ओके 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 गॉड ब्लेस।